तो भाई लोग फिर से आ गए एक और बेहतरीन सिटी स्काईलाइन की गेम प्ले वीडियो में। और अभी क्या कहते हैं, लाइट नहीं आ रही है, लेकिन एक खुशखबरी, तुम्हारे भाई के पीसी में इन्वर्टर कनेक्शन हो गया एकदम बेहतरीन करके, ठीक है। तो अभी दिक्कत नहीं आने वाली ज़्यादा, लेकिन एक गड़बड़ होगी, यहाँ जो लाइट थी ना ऊपर, जो मतलब नॉर्मली में ऊपर आती रहती है, उसका कनेक्शन मैंने इन्वर्टर से अभी नहीं करवाया। खैर अभी क्या कहते हैं, तुम्हारे भाई ने ये एक लाइट ली थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये ऐसे चांदना ज़्यादा हो जाएगा ना, ये देखो ऐसा अगर देख पा रहे हो तुम तो, ये एक लाइट है छोटी सी, काफ़ी भाई का चांद है इसके अंदर, तो ये अभी काम आ रही है, ठीक है। और मैंने क्या कहते हैं, ये किसी और काम के लिए ली थी, लेकिन अभी भाई यहीं पे काम आ गई, सही है ना। वह पिछले वीडियो में काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे अपने शहर के अंदर, बड़े बड़े स्टेडियम और भाई आर्ट म्यूजियम्स, बेहतरीन सा मॉल, एकदम पॉश मॉल है ना, सब कुछ एकदम बेहतरीन नेक्स्ट लेवल। और उसके साथ हमने अपने यहाँ की रोड सिस्टम भी थोड़ा सा सही करा था, रेजिडेंशियल एरिया वाला, इंडस्ट्रियल एरिया वाला तो पहले ही सेट है, ठीक है भाई लोग। तो आ गए हम अपने शहर में, और भाई अभी ना एक दिक्कत सी आ रही है जो मैंने अभी नोटिस करी है इस गेम के अंदर, मतलब अपने शहर में। वो क्या है भाई, जिसे भी अपने यहाँ पे शहर में सारे दोनों के दोनों हाईवे जो है पूरे के पूरे स्ट्रेट हैं एकदम, है ना। तो जिसे भी क्या है इस साइड से उस साइड जाना होता है, वो क्या है भाई पूरा इधर इस हाईवे पे ऐसे चल चल के बिल्कुल एंड में पहुँच के यहाँ पे, यहाँ से घुस के नीचे उतर के और भाई फिर इस सड़क से ऊपर चढ़ के किसी तरीके से, देख लो तुम, यहाँ से ऐसे जा के फिर नीचे को होके इधर से ऊपर चढ़ के और जब वापस जा पाता है, ठीक है। और मुझे नहीं पता लोगों को वापस क्यों जाना है शहर में, ऐसा अंदर के अंदर लेन क्यों नहीं चेंज कर सकते, लेकिन लोग भाई ऐसे ही कर रहे हैं, यही ट्रैफिक है ना। तो हम क्या अभी इस ट्रैफिक का समाधान ढूंढने का हिसाब किताब कर रहे हैं। तो समाधान क्या है अभी यहाँ पे, क्या है कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, अगर मान लो कोई गलती से एकदम बाई मिस्टेक इस सड़क पे चढ़ गया तो उसके पास वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। तो इसे हम क्या है अभी इस सारे के सारे दुनिया भर के ट्रैफिक को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बीच में जो है इंटरसेक्शन लगाने वाले हैं, जिससे कि लोग बीच से भी लेन चेंज कर पाएँ। तो भाई लोग अभी यहाँ पे जैसे ही काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था, तो अभी हमने सारा का सारा करीब करीब क्लियर कर दिया है ना। रोड्स में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, यहाँ पे लोग मतलब सही से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे कुछ नई पॉलिसी लगा के और रोड्स को थोड़ा सुधारा है, जिससे कि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और सारी गाड़ियाँ आराम से आ जा पाएँ सब जगह, है ना। अब देखो भाई कितना एकदम स्मूथ हो चुका है ट्रैफिक। अभी तक क्या है भाई, ये जो गाड़ियाँ इधर से जैसे घुस रही है ना, ये इधर इधर भाई पूरी सड़क पर जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या कहते हैं, जो गाड़ी एक बार यहाँ पर चढ़ गई सड़क पर, वो परे वाली लेन पकड़ेगी, इन्हें गाड़ियों को डिस्टर्ब नहीं करेगी, और जिसे गाड़ी को यहाँ से चढ़ना है वो इधर वाली लेन पकड़ेगी, वो आगे जाके डिस्टर्बेंस नहीं करेगी, ठीक है भाई लोग। तो अभी तक ये दिक्कत आई थी कि जिसे भी शहर के बाहर जाना होता था ना, उसके लिए क्या कहते हैं डायरेक्ट जाने की जगह नहीं थी, वो क्या कहते हैं यहाँ से ऐसे होके ये पूरी पूरा इलाका पार करके जब क्या कहते हैं यहाँ जा सकता था बाहर, है ना, शहर के बाहर रेजिडेंशियल जोन से, जो भी इधर से चढ़ता था उसे ये पूरा इलाका पार करके जाना पड़ता था। लेकिन अभी हमने क्या करा, जिसे बाहर जाना है डायरेक्ट, उसके लिए क्या है सीधा यहाँ से जाओ और ऐसे इस वाली सड़क पर चलते चलते यहाँ बाहर निकल जाओ। और भाई लोग साथ की साथ में क्या है, यहाँ पे इस जगह पे भी लोगों को प्रॉब्लम आई थी। ये क्या है, अगर किसी को मान लो कोई गलती से इस वाली सड़क पे चढ़ गया और उसे यहीं पे रेजिडेंशियल जोन में कहीं जाना है अंदर, तो उसे क्या है पहले पूरा का पूरा रास्ता ऐसे हाईवे पे से पार करके आना पड़ता था, जिसकी वजह से हाईवे पे ज़्यादा जाम लग रहा था। देखो भी लग रखा है थोड़ा सा, ये क्लियर होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। लेकिन क्या उसे पहले ऐसे पूरा हाईवे पार करके आना पड़ता था, जिसकी वजह से फालतू का जाम लग रहा था। लेकिन अब क्या है, वो टेंशन है ही नहीं, अभी जिसे इधर से जाना हो वो क्या है यहाँ पे कहीं नीचे उतरने का सिस्टम है, ये ना भाई यहाँ से नीचे उतरो और चले जाओ भाई वापस रेजिडेंशियल के अंदर, ठीक है। यहाँ से और एक पीछे भी है लेन चेंज करने का, कहाँ है ये रहा, यहाँ से भी उतर के जा सकते हैं अगर जाना हो तो। तो भाई लोग अभी यहाँ पे एक और दिक्कत आई थी, ये क्या कहते हैं, जो यहाँ से ऑफिस जोन में जाने वाले लोग हैं वो भी जाम लगाए थे यहाँ पे हाईवे पे, तो उनके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे एक वो बना दिया, मतलब जैसे यहाँ से ये बाहर जाने वाला हाईवे तो है ही, तो यहाँ पे एक इस हाईवे के अंदर एक और इंटरसेक्शन बना दिया, और इस इंटरसेक्शन से क्या है लोग यहाँ से ऐसे होके वापस जाके इस वाले हाईवे में मिल जाते हैं जो कि ऑफिस जोन के अंदर जाता है। तो अभी ऑफिस जोन की भी अच्छी कनेक्टिविटी होगी रेजिडेंशियल जोन के साथ में, और भाई साइज जो कनेक्टिविटी करते करते एक बार देखो हाईवे का ही मायाजाल बन चुका है कनेक्टिविटी करते करते सारी। भाई यहाँ पे राउंड अबाउट इस पे इतना दुनिया भर के हाईवे सड़क ही सड़क है ना, यहाँ पे इतनी सड़क ही सड़क, भाई पूरा सड़कों का मायाजाल बन चुका है, तो और भी तगड़ा मायाजाल हो गया है ना। खैर लेकिन अभी एक चीज़ सही होगी कि जाम की इतनी टेंशन नहीं है, ज़्यादातर जाम क्लियर है, ठीक है, गाड़ियाँ सीधी सीधी जा पा रही हैं आराम से। मैंने थोड़ी सी यहाँ पे कमर्शियल जोन बनाई शुरू कर दी है,
और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में हमने यहाँ पे थोड़ी सी बनाई है बाजू बाजू सड़क के कमर्शियल जोन, जिससे कि जब लोग इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने आए तो उनका सामान लेते हुए जाएं, और ऐसा कुछ अभी सीन। वो भाई फटाफट कमर्शियल जोन भी क्लियर अपनी, ये क्या कहते हैं, दुकानें बननी शुरू हो गई डेडिकेटेड कमर्शियल जोन में। तो भाई लोग अभी ये जो तुम अपने सामने देख रहे हो ऐसा बीच से खुला सा स्ट्रक्चर, ये है बिजनेस पार्क। और भाई यहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेस हो गए अपने शहर के अंदर, तो उन लोगों के लिए पार्क है। पार्क वार्क क्या है ऐसा, ये छोटा सा इसे पार्क बोलोगे तुम? ये इधर से इतना सा, इधर से शुरू है और इधर ख़त्म है, इसको पार्क कौन बोलेगा? और भाई लोग ये जो अभी तुम अपनी स्क्रीन पे आयरन मैन और थोर का मिक्सचर स्टैचू देख रहे हो, ये है स्टैचू ऑफ इंडस्ट्री। ये मतलब ऐसा हाथ में थोर का हथौड़ा लेके और आयरन मैन का सूट पहन के खड़ा है बंदा यहाँ पे ऑफिस जोन के अंदर, स्टैचू ऑफ इंडस्ट्री। ये हमारा दिखाता है कि हम कितनी तकड़ी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर सकते हैं और अपना कितना तकड़ा शहर है, कितनी तकड़ी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम किए हैं अभी तक। तो भाई लोग ये है तुम्हारे सामने अभी विंटर मार्केट, यहाँ पे लोग सर्दियों के सामान की शॉपिंग कर सकते हैं, गर्म कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं आराम से, है ना। और भाई लोग ये है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक स्पेस स्टेशन, वो भाई ये काफ़ी बड़ा है सारी इंडस्ट्री से कंपेरिजन देखो इसके साइज का, ये है भाई सारी की सारी इंडस्ट्रीज, ठीक है। और ये है भाई स्पेस स्टेशन, मतलब भाई कुछ ज़्यादा ही तकड़ा है। और ये जो मतलब रॉकेट लॉन्च करने वाला सिस्टम होता है वो ऐसा लग रहा है तोप हो एक तरह की, है ना। तो भाई लोग ये है एक फ्लोटिंग क्राफ्ट, जैसे GTA 5 में होता है एक जगह पे पानी के किनारे बहुत सारी सबमरीन और नाव वाव खड़ी रहती हैं, ये ऐसी कोई एक जगह है यहाँ पे। और भाई लोग ये है नदी के ऊपर मच्छी पकड़ने का हिसाब किताब। और भाई लोग ये जगह है एक ट्रॉपिकल गार्डन, यहाँ पे क्या है जितने भी ट्रॉपिकल इलाके में पेड़ पौधे होते हैं बढ़िया बढ़िया से, बेहतरीन बेहतरीन महंगे महंगे वो सब लगा रखे हैं। और भाई लोग ये है एक जैपनीज गार्डन, और इसके सामने है ये एक पार्क, चिल करने वाला पार्क। तो भाई लोग यहाँ पे हमने लगाया है एक सोलर पावर प्लांट, और ये जो है सूर्य देव की शक्तियों का सदुपयोग करता है, वही सारी शक्तियों को खींच के अपने अंदर इकट्ठा करके और शहर को बिजली ही बिजली, है ना। तो काफ़ी सही चीज़ है। और यहाँ पे हमने बनाया है एक डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैम, यहाँ से इधर से पानी आता है और रुक जाता है, जब जरूरत होती है तो इधर से निकल जाता है। और भाई लोग ये जो तुम अभी डॉक्टर टावर जैसी एक बिल्डिंग देख रहे हो, नहीं ये डॉक्टर टावर नहीं है, डॉक्टर टावर इधर है, इधर ये रहा, ठीक है, ये उससे हल्की सी ऊँची है और थोड़ी सी पॉइंटेड सी ऊपर से, डॉक्टर टावर के ऊपर हेलीपैड है, इसके ऊपर नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कि ये बताती है कि शहर हमारा कितना बेहतरीन बन चुका है, एकदम नेक्स्ट लेवल हाई एंड बन चुका है, और क्या कहते हैं यहाँ पे एकदम राम राज्य है, सबका भला होता है, सबका ध्यान रखा जाता है, एक आदर्श राज्य जो होता है वो अभी यहाँ पे है, इस चीज़ को दिखाती है ये बिल्डिंग। इसी बात बोल लो जय श्री राम, कमेंट करो जिसने आज तक वीडियो देख लिया। और भाई लोग अभी हमने बनाई है सर्विसिंग सर्विस बिल्डिंग, ये बड़ा सर्विस सर्विस का नाम है, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका काम क्या है ना, नाम ही क्या रखा है। तो भाई इसका काम है जितनी भी सर्विस अपने शहर के अंदर चलती हैं उन सब का ध्यान रखना है, एक तरह से ऑडिटिंग सर्विस है ये। अब भाई कोई भी सर्विस जो है गड़बड़ नहीं कर पाएगी, सारी सर्विस ढंग से काम करेंगी इस सर्विस के कारण, क्योंकि ये सबके ऊपर ध्यान रखेगी ये सर्विस, ये बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं ऑडिट करेंगे। और भाई लोग ये जो बिल्डिंग अभी तुम अपने सामने देख रहे हो ये है ईडन प्रोजेक्ट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ईडन प्रोजेक्ट आखिर है क्या, ये क्या कहते हैं, हमने ये जो स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है इसके बाजू में बनाया है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है इसलिए इसके सामने छोटा लग रहा है, तो ये भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ना। तो ये जो है एक बिल्डिंग है ऐसी जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे और सारी चीज़ लगी हुई हैं जो कि पोल्यूशन हटाते हैं सारे में से, मतलब हवा का पोल्यूशन होगा ये लोग खींच लेंगे, जो इंडस्ट्री में इतना धुआं फैल रखा है ना थोड़ी बहुत देर में ये ख़त्म कर देंगे इसे, है ना। पानी का पोल्यूशन होगा ये ख़त्म कर देंगे, और जो मतलब पोल्यूशन वोल्यूशन होगा ना एकदम पोल्यूशन तो ख़त्म ही करके रख देंगे लोग ईडन प्रोजेक्ट वाले, ऐसा हमें कहा गया है। अब ये कितना सच है ये तो पता लगाना बाकी है, लेकिन जो भी है ये है। और अभी अपना शहर ये है कुछ इस तरह से, यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो हो रखी है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ इंडस्ट्री है, और यहाँ पे अपना शहर है जो कतई जहर है, है ना, शहर कतई जहर, वाओ राइमिंग। तो भाई लोग आज वाली वीडियो में बस इतना, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में जाते तो पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एकदम दबा कर देना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में सैटरडे को।